देंगे। सबसे बड़ा गिफ्ट इनके कंधे पे स्टार है जिसे कोई पैसे से नहीं खरीद सकता। ऐसे ही लड़कों का जॉब होता है, अगुओं का आना घर में अगुआ आना चालू हो जाता है सर। और दहेज एक बड़ी समस्या है बिहार के लिए सर। बाबू लोग से हम हाथ जोड़ते हैं कि दहेज जो है मत लीजिएगा लोग, यहाँ गरीब बच्चों को 150 रुपया में खुद पढ़ाएंगे। यहाँ पे सोचिए अपना नोट्स बना किया, कितना टफ होता है आजकल इन लोगों का। ये अपना नोट ये विद्यार्थी सब पढ़ेगा सर, स्क्रीन शॉट लेके रख लेगा सर, कभी क्लियर बनाएंगे। इसीलिए टीचर से बात करेंगे, सारी चीजों पर बात करेंगे सर। इतनी फौज बड़ी फौज राजगीर लग रहा है कि राजगीर ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग खड़े हैं। अरे इन लोग को अभी राजगीर ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे और फिर वहां से पढ़ लिख के फिर वापस इन लोग आएंगे। लोग यहाँ पे अभी DSP लेके देखिए इनको, देखिए ये अभी गाड़ी चेंज सीट चेंज कर रहे थे, अभी ये गाड़ी चेंज करने वाले हैं। सिपाही से उसके बाद इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से अब DSP बनेंगे इनको। ऐसे सारे लोगों का अपना अपना संघर्ष की कहानी है। हम लोग की कोशिश रहती है कि गांव में अंतिम बच्चे तक को भी शिक्षा पहुंच सके, मुख्य उद्देश्य यही रहता है। सर वहाँ रहते हैं तो बहुत सहम के रहते हैं आपके छात्र, लेकिन यहाँ आने के बाद तो 4G 3G और सीट लेफ्ट पीछे वाला सीट आगे वाला, आपको भी थोड़ा डर लगता होगा कि इतने वर्दीधारी एक साथ कैसे आ गए। अरे हमको तो पहली बात ये नहीं समझ में आता है कि जब ये लोग पढ़ाई करता है तो एकदम सीधा साधा इसे चुपचाप, जिस यहाँ आने के बाद हम देखते हैं कि भैया यही है लोग यहाँ पर। अच्छा ये इतना सीधा यहाँ पे पढ़ाई करने के टाइम पे ये लोग यहाँ पर, और यहाँ आने को देखे कहाँ पे 4G वाला मॉडल 5G वाला ये मत 3G यहाँ पे 3G मॉडल। तो ऐसे करके ये सारे लोग भी है, हमको भी खुशी होती है कि इतना तो है कि आने वाले 10 साल में हम लोग भारत के कोना कोना में ऐसे ईमानदार अफसर को भर देंगे लोग हम लोग यहाँ पे, ऐसे ईमानदार। सर बहुत सारे छात्र हैं क्लासरूम में, बहुत सारे छात्र बैठे हुए हैं और ये स्टेज पर चुनिंदा छात्र हैं, 1275 वैकेंसी में जिनका रिजल्ट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ बात तो उनमें जरूर रहता होगा सर। क्या कुछ कितना मेहनत लगता है वहाँ से यहाँ तक का सफर? वहाँ से यहाँ आने में सबसे ज्यादा मेहनत इन लोगों की अपनी ईमानदारी से पढ़ाई और पढ़ाई के प्रति समर्थन, ये कितना समर्पित है पढ़ाई के प्रति। तबीयत सही रहे न रहे, दोस्त ये नहीं कि इधर उधर घूमेंगे चाय पीने निकलेंगे तब नहीं, ये लोगों ने पूरा समर्पण किया है तब जाके इन लोगों का रिजल्ट हुआ। सर बहुत सारे गरीब छात्र पहले सोच नहीं पाते थे कि दरोगा बनना है, DSP बनना है, IAS बनना है और IPS बनना, बहुत गरीब छात्र ये चीज सोच नहीं पाते थे सर। जो लोग इनका कहना है कि पैसा पैसे पढ़ाई में बाधा आती थी, कहाँ गए वो 11 रुपए वाला फर्स्ट बैच, यहाँ देखिए 11 रुपए में पढ़े, ये देखिए ये जब 11 रुपए वाला बैच था तब पढ़े थे। और ना कितना साल कांस्टेबल रहे थे, 6 साल कांस्टेबल रहे, 11 रुपए वाला बैच नहीं है, इतना संघर्ष करने के बाद आज यहाँ डबल स्टेबल। और BPSC में भी किए यहाँ पे, इस बार क्लियर कर लेंगे थोड़ा सा नंबर से BPSC हो गया। सर सुनने में आ रहा है कुछ इनको गिफ्ट दिया जा रहा है, ये भी फाइट करने वाले हैं BPSC के छात्रों के साथ। इन लोगों को गिफ्ट के तौर पर इनको पढ़ने के लिए पूरी BPSC के लिए स्टडी मटेरियल जो यहाँ दिया जाएगा वो, और उनके आंसर राइटिंग यही सब दिया जाएगा। बाकी गिफ्ट हम इन लोगों को क्या देंगे, सबसे बड़ा गिफ्ट इनके कंधे पे स्टार है जिसे कोई पैसे से नहीं खरीद सकता। आप बताइए आप लोग को इससे बड़ा गिफ्ट है, यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। और आपके आप दुनिया को आप लोग क्या कीजिएगा, ईमानदारी का गिफ्ट दीजिएगा। हम आप लोगों से मांगते हैं उल्टा गिफ्ट, ईमानदारी का गिफ्ट दीजिएगा और अपने सैलरी से अगर किसी एक बच्चे को पढ़ा सके तो समझिएगा हम धन्य समझेंगे अपने आप को। अभी कहाँ गई अपनी आगरा वाली, यही है ना, इन्होंने 150 रुपया मतलब नोट्स बना के क्लास देख के फिर उसको कन्वर्ट करके गरीब बच्चों को 150 रुपया में खुद पढ़ाई। यहाँ पे सोचिए अपना नोट्स बना किया, कितना टफ होता है आजकल इन लोगों का, ये अपना नोट ये विद्यार्थी सब पढ़ेगा सब स्क्रीन शॉट लेके रख लेगा सर, कभी क्लियर बनाएंगे। इसीलिए इसीलिए स्क्रीन शॉट बंद करा दिए इन लोग का, हाँ बंद है इन लोग का, इनको स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे। तो ये लोग नोट्स बना बना के दूसरे को पढ़ाएंगे, कैसा फील होता है जैसे कैसे दादा टाइप वाली फीलिंग। अच्छा यहाँ पे कि जिनको पढ़ाया गया वो जाके दूसरे को पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो उनका जॉब हो रहा है यहाँ पे। तो इन सबको कहते हैं ना कि जब जितना पढ़ रहे हैं दूसरे को भी होता है सर। अभी मान लीजिए आपसे पढ़ के ये दरोगा बन गए, ये भी पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। ये लोग इन सब लोग को पहले कहते हैं कि ये लोग पहले क्या बन जाए, DSP SDM BPSC निकाले, उसके बाद से इन लोग से डबल मिठाई लेंगे। ए भैया आप लोग सब लोग समझो ध्यान से, इसमें तो हम लोग 1 किलो मिठाई पे काम चला लिए, लेकिन DSP वाले पे कम से कम आपके एरिया का मिठाई बड़ी फेमस है भिंटा का, हम घरे आके ले लेंगे, समझ आए कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। जैसे ही लड़कों का जॉब होता है अगुओं का आना घर में अगुआ आना चालू हो जाता है सर, और दहेज एक बड़ी समस्या है बिहार के लिए सर।
आप लोग से हम हाथ जोड़ते हैं कि दहेज जो है मत लीजिएगा लोग यहाँ एक बात और कहना था सर अभी थोड़ा देर पहले आप लोग से बोले थे कि सर ने एक बात कहा था थोड़ी देर पहले कि आप लोग अच्छा कीजिए, परफॉर्म अच्छा कीजिए और कम से कम एक आदमी को पढ़ाइए। हमारे तरफ से भी रिक्वेस्ट है जो भी लोग अच्छे पोस्ट पे जाते हैं कम से कम, और स्पेशली गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए जो अंडर प्रिविलेज्ड हो, आप लोग कम से कम एक लड़की को ग्रेजुएशन तक पढ़ाने का जिम्मा लीजिएगा, करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। ऑनलाइन वालों में एक डर रहता है, ऑनलाइन वाले सोचते हैं कि अगर हम खान सर के क्लासरूम में नहीं जाएंगे तो रिजल्ट होगा नहीं होगा। ऑनलाइन वाले तुम लोग यहाँ पे इन लोग का डर और सब खत्म करो, यहाँ पे रिजल्ट होगा। देख रहे हो ऑनलाइन से कितना मेहनत करके आ गए यूपी वाले भाई साहब, गाड़ी उड़ी बदल के आ गए यहाँ पे, आप समझ में आ गया कि नहीं आ गए। सेल्फ स्टडी वालों को क्या कुछ बोलिएगा? सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं है, सबसे अच्छा होता है। देखो हम लोग पढ़ा भी देते हैं, ये लोग आप में और इनमें बस यही अंतर है कि आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं। जब सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो आप लोग भी यहाँ पहुँच जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं। सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। 1275 को जो नियुक्ति पत्र दिया गया है उनमें इतने लोग आज खान सर के क्लासरूम में आए हुए हैं, बाकी बहुत सारे ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे सेल्फ स्टडी भी करते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा होगा कि नहीं होगा। तो देखिए